मौत की चिंगारी का पूरा सच। डबल कमाई ने छीनी 17 जिंदगी। दिल्ली अग्निकांड की इनसाइड स्टोरी। दिल्ली में एक चिंगारी ने बुझा दिए कई घरों की खुशियों के चिराग। दवान घर चला गया रहे, बाल बच्चे वाले रहे, 5 महीने का बच्चा कुछ रहे, छोड़ के चली गई हमें। अफसाना अफसाना पटाखा फैक्ट्री की आग में जलकर खाक हो गईं 17 जिंदगी। पटाखा भी दिल से कर रही थी, मैं तो किराया न कहीं रह के काम कर रही थी मेरे बहन। दिल्ली के बवाना इलाके में आग के लपटों ने जो 17 जिंदगी छीनी, उनमें कम से कम 10 महिलाएं थीं। ये एग्जैक्ट काउंटिंग है, 6-7 ही करीबन लेडीज थी, बाकी जेंट्स थे, टोटल 17 थे। वो किसी की माँ थी जो चिंगारी के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी जान गंवा बैठी। वो किसी की बीवी थी जो फैक्ट्री के अंदर ही हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई। वो किसी की बहन थी जिसका भाई उम्र भर इंतजार करता रहेगा। लेकिन वो अब कभी जिंदा वापस नहीं लौटेगी। वो किसी की बेटी थी जो सुबह ये कहकर निकली थी कि शाम को लौट कर आऊंगी, लेकिन वो जिंदा नहीं लौटी। देर रात घर पहुंची उसकी मौत की खबर। पुलिस वाले वही बता रहे हैं, रुको मिलेगा, देखने को मिलेगा, जो भी जिससे पूछो वो बस यही कहता है, 5 मिनट ठहरो, मिलेगा देखने को। वो जो कल शाम को गए तो वहाँ, यहाँ तो मेट्रो बिहार में रूम लिया है किराए से, तो वहाँ पहुँचो तो वहाँ बोलते हैं कि अभी दिखाएंगे भाई। शाम को बहुत बोला, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद वो कह रहे थे कि अभी दिखाएंगे सुबह की मॉर्निंग में। पटाखा फैक्ट्री की आग में मरने वाले नौजवानों में किसी का बेटा खो गया। लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, 17 लोगों की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। ये तमाम लोग जानना चाहते हैं कौन है 17 लोगों की मौत का असली गुनाहगार। ये लोग सरकार और पुलिस से पूछ रहे हैं कि जिन लोगों की वजह से पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, जिन लोगों की जान लेवा लापरवाही ने 17 लोगों की जिंदगी छीन ली, उन्हें आखिर कब मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। मौत की चिंगारी का पूरा सच। डबल कमाई ने छीनी 17 जिंदगी। दिल्ली अग्निकांड की इनसाइड स्टोरी।
इस समय हम बवाना की उसी फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं जहां पर आग की सूचना मिली थी। बवाना में तीन जगहों पर आग की सूचना मिली थी, जिसमें से सेक्टर 1, सेक्टर 3 और सेक्टर 5 की फैक्ट्री में आग की सूचना मिली थी। हम इस समय बवाना के सेक्टर 5 की उस फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं जहां पर आग की सूचना मिली थी, और सबसे ज्यादा मौतों की सूचना इसी फैक्ट्री से आई थी। आपको बता दें कि जिस समय ये कॉल आई है, तकरीबन 6:20 पर शाम को फायर ब्रिगेड के पास ये कॉल आई थी कि एक फैक्ट्री में आग लगी है, और उसके बाद यहां पर जो फायर ब्रिगेड आई तो आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है पूरी तरीके से आग की चपेट में थी। यहाँ पर तकरीबन 17 लोगों की अभी मौत हो चुकी है। हमने फायर ब्रिगेड ऑफिसर से बात की, उन्होंने बताया कि 17 लोगों की मौत हुई है। तारीख 20 जनवरी 2018, वक्त शाम करीब 6:30 बजे, जगह बवाना सेक्टर 5 दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक फैक्ट्री में आग लग गई। ये आग लगी थी सेक्टर 5 की एक फैक्ट्री में जो कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें आसमान छूने लगी, खिड़की से धुएं का गुबार निकल रहा था, दूर दूर तक खौफ और दहशत का मंजर था। बताया जाता है कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त वहां करीब 20 मजदूर काम कर रहे थे। वो सब के सब लपटों से घिर गए, और रात होते होते खबर आ गई कि इस भयानक अग्निकांड ने 17 जिंदगियां छीन ली। 18 लोग मौजूद थे। ये पटाखा बनाने की फैक्ट्री है, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये जो फैक्ट्री है ये लीगल थी या इलीगल फैक्ट्री थी, लेकिन ये पटाखा बनाने की फैक्ट्री थी। 17 लोग टोटल की, कुल 17 लोगों की मौत हुई है, और यहाँ पर एक व्यक्ति जो था जिसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, और उस समय वो छत से टूटा जिसकी वजह से घायल हुआ है। फायर ब्रिगेड की तकरीबन 30 गाड़ियां मौजूद थी, जिसमें 70 फायर ऑफिसर लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसके बारे में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वहां गैर कानूनी ढंग से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री के मालिक खिलौना फैक्ट्री की आड़ में चला रहे थे पटाखा फैक्ट्री। बताया जाता है कि फैक्ट्री में ढेर सारे पटाखे रखे थे, जगह जगह पटाखों का बारूद बिखरा पड़ा था। आग की लपटें जैसे ही बारूद तक पहुंची पूरी फैक्ट्री आग के शोलों से घिर गई। फैक्ट्री से उठी आग की लपटों ने वहां मौजूद हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री के अंदर रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से आग और तेजी से फैल गई। ये कॉल करीब 6:30 बजे की थी, उसमें ये मिला था कि एक फैक्ट्री में आग लगी। उस टाइम हमारे पास ये डिटेल नहीं थी, ये बताया गया था प्लास्टिक फैक्ट्री है। आने के बाद ये पता चला कि ये इसमें पटाखे का स्टोरेज, मतलब पटाखे की फैक्ट्री है। बाद में जब हम लोगों ने अंदर घुसे तब पता लगा कि पटाखे का मेनली स्टोरेज था, और उस पटाखे मतलब बड़े बंडल से छोटे बंडल जैसे बनाए जाते पैकिंग चल रही थी। 17 कैजुअल्टी हैं जो दे आर सपोज टू बी डेड बियॉन्ड रिकॉग्निशन थी, वो चार्ट हो गई थी। एक आदमी ऊपर से कूदा था तो उसकी टांग टूट गई थी, पर वो सर्वाइव कर गया है। बाकी 17 लोग जो है वो सस्पेक्टेड है कि डेथ हो चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 1 दर्जन गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाने में घंटों लग गए। पटाखा फैक्ट्री में लगी भयानक आग ने दिल्ली सरकार और प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि इस फैक्ट्री मालिकों के पास न तो कोई लाइसेंस था और न ही कोई फायर एनओसी। देखिए, ये फायर बहुत बड़ी फायर नहीं थी, हमने फिर भी क्योंकि कॉल बहुत आई थी 15 गाड़ी भेजी थी, और सारे सीनियर ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस के भेजे गए थे क्योंकि कॉल बहुत आ गई थी। फायर दिल्ली फायर सर्विस के हिसाब से कॉल बहुत बड़ी नहीं थी, पर क्योंकि इंजरी बहुत, मतलब लोग बहुत इन्वॉल्व थे, तो इसलिए थोड़ा हमने सर्च भी किया ऊपर नीचे आके। पटाखे का था, थोड़ा ये भी था कि पटाखा भी जल भी सकता है, तो टाइम करीब करीब 2 घंटे हमें लगे इस बात में। सर, ये बताइए कि आपने जब अंदर चेक किया तो फायर के नॉर्म्स क्या पूरे किए गए थे इस फैक्ट्री के अंदर? जी, फायर के नॉर्म्स मुझे लगता है इस फैक्ट्री में पूरे नहीं थे, और शायद अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर फायर का एनओसी भी इस बिल्डिंग के पास नहीं था।
गैर कानूनी ढंग से चल रही फैक्ट्री से जो आग की लपटें उठी, उन लपटों में सरकारी मशीनरी भी घेरती जा रही है। सवाल ये है कि आखिर कैसे और किसकी मिलीभगत से दिल्ली में ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी? आखिर कौन है 17 लोगों की मौत का जिम्मेदार? भयानक अग्निकांड के बाद हरकत में आई दिल्ली पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री के मालिक मनोज जैन को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री के मालिक मनोज जैन ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि फैक्ट्री में पटाखों का काम होता था। यहाँ होली और शादी ब्याह के दौरान स्टेज पर इस्तेमाल होने वाले पटाखे पैक किए जाते थे, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने दावा किया है कि उसकी फैक्ट्री में पटाखे बनते नहीं थे, सिर्फ पैकिंग का काम होता था, लिहाजा इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। दिल्ली पुलिस अब उसके दावों की हकीकत के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही पुलिस ने आरोपी मनोज जैन के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि ये फैक्ट्री इसी साल 1 जनवरी को किराए की इमारत में शुरू की गई थी। इसमें हर रोज दर्जनों मजदूर काम करने आते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये फैक्ट्री एक दिन शमशान में तब्दील हो जाएगी। फैक्ट्री में चलकर खाक हुए 17 मजदूरों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी चीखें इस फैक्ट्री में ही दफन हो जाएंगी। उन 17 मजदूरों के परिवार वालों और रिश्तेदारों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उन्हें अपने परिजनों की तलाश राख के ढेर में करनी पड़ेगी। लड़की दवान घर चला गया रहे, बाल बच्चे वाले रहे, 5 महीने का बच्चा कुछ रहा, मेरे घर छोड़ के चली गई हमें। अफसाना अफसाना हमें बेटा 7 बजे जाती रहे ड्यूटी, तो हम तेरे 7 बजे के बाद हम अकेले घर से भागे न। अफसाना की उम्र है कम से कम 60-65 साल की उम्र है, उनके लोग 4-5 आदमी है, एक लड़की की शादी की है बस अभी। दहाड़े मार कर रो रहे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। कोई अपनी मां को तलाश कर रहा है, कोई अपनी बीवी के लिए भटक रहा है, तो कोई अपनी बहन को ढूंढ रहा है, तो किसी को है अपनी बेटी की लाश की तलाश। तो हम कहन कह लो खाना में हम आए ड्यूटी से नहीं, हम खाना बताओ तो बना ली, दाल बना लो, चावल बना लो, खाली हम खाना बना गए ड्यूटी है ना, माना मना के सबको मतलब जान ना पाए, एक दिन जान ना पाए, तब हम आज सवेरे मना के हम कहें चलो हम चली बाबा है छुट्टी में रहन, तब कहने भाई हम आज कह ले हम फिर नहीं जीबा। दरअसल पटाखा फैक्ट्री में आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आग में लोग इतनी बुरी तरह से झुलस गए कि उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल है। दर्दनाक हादसे की तस्वीरें बेहद भयानक हैं, आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको वो तस्वीरें दिखा भी नहीं सकते। बवाना के पटाखा फैक्ट्री में लगी आग जिसमें अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के ठीक बाहर, जहाँ अंदर सभी 17 मृतकों की बॉडीज रखी हुई हैं। आपको बता दें यहाँ पर लगभग 50 लोग हैं जो अब तक घायल है, जिसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें ये घटना शाम तकरीबन 6:30 बजे की है, जब बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के एक पटाखा फैक्ट्री में लगातार काम चल रहा था और उसके बाद
अचानक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद लगातार एक पर एक विस्फोट होने लगे। आग की लपटें इतनी ज़्यादा थी कि दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। और आपको बता दें ये वो अस्पताल है जहाँ पर अब परिजनों का ये कहना है कि वो अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी फिलहाल मिलने नहीं दिया जा रहा है। घटनास्थल पर खुद पुलिस के साथ कैट की टीम तैनात है। पूरे मामले की जांचबीन की जा रही है, लगातार ये पता करने की कोशिश की जा रही है आखिर किस वजह से ये घटना हुई। पुलिस ऑफिसर की माने तो जो संवेदनशील है उनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि अंदर और लोगों के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की कोशिश करेगी कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, बवाना। भयानक अग्निकांड के शिकार बने मजदूरों में से सिर्फ 7-8 लोगों की शिनाख्त हो पाई है। उनके नाम हैं बेबी देवी, अफसाना, सोनम उर्फ सोनी, रीटा, मदीना, रज्जो और धर्मो देवी। इनके अलावा सूरज नाम के एक नौजवान की भी शिनाख्त हुई है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हादसे का शिकार बने सभी लोग छुट्टी के दिन ओवर टाइम करने के लिए फैक्ट्री में गए थे। परिवार वालों के मुताबिक फैक्ट्री मालिक ने सभी मजदूरों को डबल सैलरी का लालच देकर छुट्टी के दिन काम पर बुलाया था, लेकिन किसे पता था कि डबल कमाई के चक्कर में वो लोग मौत के चंगुल में फंस जाएंगे। आज शनिवार को कह रहे थे आज डबल मिलता है, तो इसी चक्कर में आज डबल लगाई, पता नहीं भगवान के छुट्टी थी तब वो बुलाया काम करवाया डबल के लिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की तमाम फैक्ट्रियों में चाइल्ड लेबर बैन है। यहाँ फैक्ट्रियों में बच्चों से काम करवाना सरासर गैर कानूनी है, लेकिन पटाखा फैक्ट्री के मालिक ने इस नियम की भी खुलेआम धज्जियां उड़ा दी। हादसे का शिकार बनी रीटा नाम की एक बच्ची अभी 18 साल की ही हुई थी। रीटा भी उन बदनसीब मजदूरों में शामिल थी जो फैक्ट्री से उठी आग की लपटों में जलकर खाक हो गई। कब से आप ढूंढ रहे हैं उसे? वही आठ बजे से और दस ग्यारह बजने वाले हुए, जब से अभी घर पे नहीं आए सर। तनाव में पहली बार मैंने बोला था काम पे मत लगाना, काम देख के वापस भेज देना, और उसको वापस नहीं भेजा। रीटा के परिवार वालों का कहना है कि फैक्ट्री में आग की इत्तला मिलते ही वो वहाँ पहुँच गए, लेकिन दर दर भटकने के बाद भी उन्हें अपनी बच्ची के बारे में कोई खबर नहीं मिली। 2-3 साल पहले स्कूल छोड़ चुकी 17 साल की रीता मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से दिल्ली आई थी। रीता का परिवार दिल्ली के बवाना में रहता है और मजदूरी करता है। घर की हालत सुधारने के लिए रीता ने खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मजदूरी करने की सोची। खिलौने की फैक्ट्री में उसका पहला दिन ही था और वो काम सीख ही रही थी, लेकिन खिलौनों की फैक्ट्री के ठीक ऊपर अवैध पटाखे की फैक्ट्री में लगी आग ने रीता को अपने लपेटे में ले लिया। काम का पहला दिन रीता की जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। सर हम काम करने नहीं देते थे, वो काफी दिन से अभी स्कूल छोड़ा जब से 1-2 साल हो गए, गांव में रहती थी, गांव में पढ़ती थी, तो यहाँ बुला लिया। मम्मी उसकी बोलती थी बच्ची बिगड़ जाएगी, ये है वो है, तो यहाँ बुला लिया। अब वो कल वैसी बैठी रहती हैं औरतें गली में, तो घर में थोड़ी दिक्कत चल रही थी, तो उन्होंने कहा बेटा लड़की अब तू 1-2 दिन काम कर ले, अगर तुझे पसंद आया तो कर लेना, खिलौनों का काम होता है, पैकिंग होनी है बैठे बैठे, तो भेज दिया जी। और भी औरतें जाती थी गली से, वहीं घर के बगल में ही रहती हैं, तो कल फर्स्ट बार ही वो देखने गई थी काम। नहीं नहीं पहले से नहीं जाती थी, पहले से वो पड़ोस में जो रहती थी वो जाती थी कंटिन्यू उसी फैक्ट्री में। नहीं नहीं वहाँ जितने भी वर्कर काम कर रहे थे सब ने कहा ये कुछ नहीं लेते, ना आईडी लेते हैं ना मकान नंबर लेते हैं, बस सिर्फ नाम लिख के काम पे लगा लेते हैं, दिन भर काम करो शाम को पैसा देते थे ये लोग। नीचे खिलौनों का काम होता था, ऊपर बारूद, और बारूद भी ऐसे रंग का कि आदमी हल्दी की तरह रंग जाता था पैकिंग करते करते। फैक्ट्री की आग में अपनों को खोने वाले तमाम लोग सदमे में हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और घर घर में पसरा हुआ है मातम। सोनम उर्फ सोनी की माँ को तो यकीन नहीं हो रहा है कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। 23 साल की सोनी यूपी के सीतापुर की रहने वाली थी। पिछले साल जून में उसकी शादी हुई थी। सोनी 5 महीने की गर्भवती थी। सोनी की मां का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि फैक्ट्री में पटाखे का काम होता है, वरना वो उसे वहां कभी ना भेजती।
यहाँ पे रंग का कुछ बताती रहे, काम होता रंग लगा रहा है शरीर में और कुछ मैम ने पूछ नहीं पाई। शाम को ड्यूटी से आई और मैंने लड़की से कुछ पूछ नहीं पाई, एक रंग में लगा है सब। आपको कब पता लगा था कि यहाँ पे फैक्ट्री में आग लगी? कल फैक्ट्री में आग लगी, मैं 7 बजे खोजे लगे, जब अपनी कंपनी से गए तो कहीं मेरी बेटी नहीं आई, तो मैं वहाँ से गड्ढे तक आए, गड्ढे से तब यहाँ आए तो कहीं फैक्ट्री में आग लग गई, तो मैं कहीं फोन करी, फोन लगाई, फोन नहीं लगा, तो हम ढूंढने लगे, तब यहाँ आ गए तो हॉस्पिटल गए तो भैया वहाँ पे मेरी लड़की की लाश एक बार धक्का मुक्की करके देख लिया और देख करके फिर भी वो छुपा लिया, मुझे नहीं दिखा रहे, मैं क्या कर रहे हैं, मैंने पहचान लिया मेरी लड़की है वहाँ तो मुझे नहीं बता रहे। सच्ची घटना में आज बस इतना ही, मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर, तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।